नमस्ते कैंडल मेकर, मैं रमेश मैसेरी निरल बिजनेस से कुछ टिप्स आपको दे रहा हूँ जो कैंडल मेकर के लिए इजी पड़ेगा। तो शायद आपको कुछ टिप्स ऐसा मिलेगा जो आपका काम इजी भी कर सकता है, या कुछ पॉइंट ऐसे भी रहेंगे कि आपको नए के लिए अच्छा पड़ेगा, जिससे आप अपना सब कैंडल के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कैंडल के मोल्ड मेरा स्पेशलिटी है, अच्छे वैसे क्वालिटी का ड्यूरेबल मोल्ड हम लोग बनाते हैं। तो आज मैं आपको जो टिप्स, अभी समझो आप कैंडल नहीं बनाते हैं तो कैंडल बनाने के लिए एक छोटा सा कोर्स भी मेरे इंस्टीट्यूट में चलता है। तो यदि आपको कुछ ज़्यादा जानकारी हो ना मेरे कोर्स के बारे में तो मेरे को व्हाट्सअप करो, और मेरे अलग अलग मोल्ड का डिज़ाइन भी हो ना तो कैंडल मोल्ड का कैटलॉग के लिए भी आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा टिप्स हम शेयर करेंगे, ये गोल्ड माइका है, ये छोटे मोल्ड है जो हम लोग टॉपिंग में यूज करेंगे। मैंने वैक्स मेल्ट कर लिया है, यहाँ पे मैंने 20 वैक्स लिया है। ये जो मेरे टॉपिंग के मोल्ड है इसमें भर डालूंगा, जिसमें मैंने गोल्ड माइका डाला है, आप जो भी चाहे वो डाल सकते हैं। अभी जब ये टॉपिंग दिखेगा तो गोल्ड कलर का टॉपिंग दिखेगा, यानी आप मेटालिक गोल्ड कह सकते हो, तो कुछ आप अलग से कर सकते हो अपना काम। ये हमने अलग अलग तीन टॉपिंग भर दिए, डिजाइन एक ही है, तीन पीस भरे हैं। बाकी आप कैंडल मेकर है तो आप आगे सब कुछ जानते हैं। तो ये मेरा टिप्स इतना ही था कि 20 वैक्स मेल्ट किया है मैंने, छोटे टॉपिंग के मोल्ड ले लिए हैं जिसमें गोल्ड माइका ऐड किया है, माइका का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ऐड किया है, तो ये मेटालिक गोल्ड आपको दिखेगा। अभी ये हम जो भरे थे वो डिमोल्ड कर रहे हैं, तो ये मेरा गोल्ड मेटलिक गोल्ड कलर का कैंडल बन गया। तो वैसे आप डिमोल्ड समझो सब कर लिए। ये आपने बना लिया। अभी जैसे आपको बताया इसको हम टॉपिंग में यूज करते हैं। अभी ये मेरा क्रिस्टल जार है, हम इसको क्रिस्टल जार कहते हैं। इसमें जो कैंडल बनेगा वो लग्जरी रेंज का रहता है, तो वैसे में ये टॉपिंग मैंने रख दिया प्रॉपरली, तो मेरे ये मॉडिफाई हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका यूज करते हैं, आपको सूटेबल साइज वैरायटी देख लेना पड़ता है और अकॉर्डिंगली आप इसको मेटालिक गोल्ड में बनाओ। और मेटालिक गोल्ड बनाने के लिए जैसे आपको बताया हम लोग माइका यूज करते हैं, और मैंने इसको 20 वैक्स से बनाया है, शायद आप कोई भी वैक्स से बना सकते। और आप कैंडल बनाते हैं तो आपको मालूम है, और जब इसको सरफेस पे स्टिक करना रहेगा तो हम हॉट एयर ब्लोअर का भी यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि छोटा सा टिप्स मेरे कैंडल मेकर भाइयों को कहाँ ना कहाँ काम में आएगा। आप कैंडल मेकिंग में बढ़ो, ये हमारा विशेष है, ऑल द बेस्ट। और समझो आप एंटरप्रेनर है, कैंडल का बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं तो भी जरूर मिलो, तो उसके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगा, वैरायटी के मोल्ड भी मिल जाएंगे और गाइडेंस भी हमारे यहाँ से मिल जाता है। करीब 1975 से मेरा ये बिजनेस चालू है, तो आप जरूर कैंडल मेकिंग के बिजनेस के लिए एंटर करो। ऑल द बेस्ट। अच्छा, मेरे निरल बिजनेस इंस्टीट्यूट में कई प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिलता है, तो आप अपने घर बैठे छोटे मोटे प्रोडक्ट बना के अपना गृह उद्योग कर सकते हैं। चाहे आप गृह उद्योग भी करो या हॉबी डेवलप करो, अपना छोटा सा बिजनेस कर सकते हैं। तो जैसे अगरबत्ती बनाना, मेनबत्ती बनाना, ग्लिसिन साबुन बनाना, स्प्रे बॉटल, फिनाइल, लिक्विड सॉप, तो ऐसे करीब 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मेरे यहाँ मिलता है। आप चाहे तो व्हाट्सअप
करो, मैं आपको मेरा पूरा डिटेल का कैटलॉग भेज देता हूँ। और यदि कोई आपका फ्रेंड को कुछ बिजनेस शुरू करना रहेगा, चाहे आपका फ्रेंड्स हो रिलेटिव हो, तो उनको भी आप मेरा रेफरेंस देना, मेरा कैटलॉग मंगा लोगे तो आपको सब जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू।